बिजनेस करेस्पोंडेंस। चलिए बच्चा, हम क्या पढ़ रहे थे? गुड बिजनेस लेटर के एसेंशियल्स। एसेंशियल्स मतलब क्या होते हैं बच्चा? इंपॉर्टेंट चीजें। लेटर हेड समझ में आ गया, रेफरेंस नंबर, देन डेट, स्पेशल मार्किंग, इनसाइड एड्रेस, समझ में आ गया, अटेंशन लाइन, समझ में आ गया था। देन उसके बाद क्या लिखा है? सैल्यूटेशन, समझ में आया? सैल्यूटेशन के एक आध एग्जाम्पल देना चाहोगे? डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सारी चीजें होती है। लेकिन बेस्ट क्या होता है? वेरी गुड, बेस्ट है बच्चा डियर सर, और रिस्पेक्टेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? चलिए, नहीं गलत तो नहीं कहूंगी, एबीसीडी सीख रहे होते ना तो उस टाइम पे वही जरूरी है, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। क्या बोल रहे हो नलायक को? बच्चा फिर हमने सब्जेक्ट हेडिंग भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। सब्जेक्ट हेडिंग मतलब क्या? सब्जेक्ट बच्चा इसको बताओ यार, कोई यार एक्चुअली क्या है ना, पेज नंबर मुझे खुद नहीं पता है, मैं पेज नंबर ड्रॉप कर देती हूँ। चलो सब्जेक्ट बच्चा लिखते हैं, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं सब्जेक्ट, कब आता है? सैल्यूटेशन के ऊपर भी लिख सकते हैं और बाद में भी, उसके नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चा कोई एक फॉर्मेट फॉलो करो, तो आप कहाँ लिखोगे? हमेशा ऊपर ही लिखोगे, ठीक है? लेकिन क्या लिखने को आ रहा है? क्या पूछा जाएगा? तो याद रखना ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है? चलो अब बच्चा स्टार्ट करेंगे मेन बॉडी, यहाँ से हमारा कंटेंट चालू होता है। बच्चा अगर नोटिस करोगे तो मेन बॉडी के ना कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चा? तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट क्या होता है बच्चा? इंट्रोडक्शन, ठीक है? दूसरा पार्ट होता है बच्चा मिडिल, एंड लास्ट होता है बच्चा कंक्लूजन। वापस अगर मैं मेन बॉडी की बात करूं तो मेन बॉडी के तीन पैराग्राफ्स होते हैं। मेन बॉडी के कितने पैराग्राफ्स होते हैं बच्चा? तीन। पहला जो पार्ट होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताते। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने इंस्टीट्यूट को लेटर लिख रहे हो तो आप पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करोगे कि आप कौन हो। आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो बताओगे, ठीक है? स्टूडेंट हो बस ये नहीं बताते, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताना, क्योंकि आप जैसे नाम वाले तो कितने स्टूडेंट होंगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बाकियों के जैसा नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन मतलब आप पहले पैराग्राफ में हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? चले दूसरा बच्चा मेन कंटेंट बताएंगे, ठीक है? मिडिल में आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जो ज्यादातर बच्चों के साथ होता है एग्जीक्यूटिव लेवल में, उनको उनके जो मटेरियल होते हैं, बुक्स होती है, कभी कभार टाइम पे नहीं मिल पाती है, ठीक है? किसी की किस्मत खराब होती है, तो आप इंस्टीट्यूट को मेल लिख रहे हो एक तरीके से, ठीक है? एक लेटर लिख रहे हो, तो पहले आपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताया कि मैं इंस्टीट्यूट का ये स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ये, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये। फिर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, मिडिल में आप मेन बातें बताओगे कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन इतनी तारीख को हुआ था, अब भैया 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक बुक नहीं आई, ठीक है? तो ये सारी बातें बताओगे। फिर फाइनली कंक्लूड करोगे। क्या कंक्लूड करोगे? कि प्लीज जल्दी जल्दी, आपने मेल किया क्यों है? आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, तो कंक्लूड करोगे ना बच्चा? क्या कंक्लूड करोगे? कि प्लीज एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके ये मटेरियल पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरा पेपर होने वाला है। क्या बात समझ भाई? हाँ, मिडिल में आप पूरी प्रॉब्लम बताओगे कि इतनी तारीख को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक स्टिल स्टडी मटेरियल मेरे तक नहीं पहुंचे, तो आप मेन प्रॉब्लम बताओगे। और फाइनली फाइनली इसको कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन में आप क्या चाहते हो? कि आपकी बुक आपको मिल जाए एग्जाम से पहले। एग्जाम वाले दिन मिलेगी तो क्या अच्छा लगेगा क्या? तो अब थोड़ा सा आपकी एप्लीकेशन पे जाते, आपकी एप्लीकेशन जो बचपन में लिखते थे, ठीक है? आप बताते थे ना कि मैं इस क्लास का बच्चा हूं, इंट्रोडक्शन बताते थे, फिर आप बताते थे कि भैया सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सारी बातें बताते थे कि भैया लास्ट नाइट मेरे को ये दिक्कतें हो गई। फिर कंक्लूड क्या बोलते थे? प्लीज प्लीज नहीं बोलते, काइंडली ग्रांट मी लीव, मतलब आप ये बोलते ना कि भैया हमें छुट्टी दे दो। तो कंक्लूजन हमेशा कम लाइनों का होता है, 1 से 2 लाइन का होता है, ज्यादा नहीं होता है।
तो इन शॉर्ट पहले आप बताते हो कि मैं आपके स्कूल का इस क्लास का बच्चा हूँ, देन आप बताते हैं कि भैया आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है, प्रॉब्लम बताते हो, फाइनली कंक्लूड करते हो, वो प्रॉब्लम बताते हो तो कंक्लूजन में ये बोलते हो कि प्लीज क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मुझे छुट्टी दे दो। तो हमेशा आप हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं बच्चा, बस आप समझ रहे हो कि भैया ये तीन पैराग्राफ होते हैं। तो आगे जब कभी भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो ये तीन पैराग्राफ याद रखना। क्लियर बच्चा? चलो, तो मेन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो मेन बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा? तीन पार्ट होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप पर्पस ऑफ द लेटर एक तरीके से बताओगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप के बारे में बताओगे, ठीक है? चलिए, पर्पस के साथ। देन मिडिल में आप पूरे उस पर्पस की पूरी कहानी बताओगे, ठीक है? फैक्ट्स इन अ लॉजिकल, बच्चा बच्चे कोहेरेंट जो वर्ड है ना, ये वर्ड मीनिंग में पूछ लिया जाता है। आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो टेस्ट होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते भी आएगा और एग्जाम में भी पूछे जाने वाला एक शब्द है। कोहेरेंट मतलब क्या है बच्चा? क्लियर। आप अपने मिडिल सेक्शन में एकदम क्लियरली बताओगे कि आपके साथ हुआ क्या है, जैसे बोलते हो ना लास्ट नाइट आपको तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो ये सारी चीजें। या फिर मैंने आपको बोला कि आपने इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा और उसमें लिखा अपनी प्रॉब्लम, तो आप बताओगे ना कि आपने इतनी तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक आपको बुक नहीं मिली, पूरे फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। फैक्ट्स मतलब क्या होता है बच्चा? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एकदम लॉजिकली एकदम क्लियर तरीके से लिख देना। और फाइनली कंक्लूजन। फाइनली कंक्लूजन इन्होंने कहा इज अ पोलाइट राउंडिंग ऑफ, जो आपने पूरी बातें कर रखी हैं उसको एकदम से राउंड ऑफ करके बोल रहे हो ना, खत्म करके कंक्लूड करके, प्लीज हम चाहते हैं हमें छुट्टी मिल जाए, प्लीज हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें हमारा स्टडी मटेरियल मिल जाए। और बच्चा एंड में हमेशा ये लिखना, मैं मेंशन दी फीडबैक रिक्वायर्ड। फीडबैक मतलब क्या? रिप्लाई होगा। फीडबैक मतलब क्या? कि मैंने एप्लीकेशन कैसा लिखा बताना, ये होता है क्या फीडबैक? फीडबैक मतलब क्या? रिप्लाई ना। आपने एप्लीकेशन दिया टीचर को तो उसका फीडबैक, आपने मेल किया इंस्टीट्यूट को तो उसका फीडबैक। फीडबैक एक तरीके से मतलब क्या होता है बच्चा? फॉलोअप होता है, एक तरीके से रिप्लाई होता है। क्लियर बच्चा? तो आपका लेटर हमेशा इन पैटर्न में होता है। क्या एग्जाम में लिखने को आ रहा है? नहीं, आपको पूछा जाएगा कि भैया मेन बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन। दूसरा मिडिल, देन कंक्लूजन। तो आपको कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए बस ये पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में अपने आपको बताते हुए पर्पस बताएंगे, देन बच्चा मिडिल में पूरे फैक्ट्स पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और फाइनली बच्चा पोलाइट तरीके से आप कंक्लूड करते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ, फाउंडेशन में पूरा रिटर्न ही होता था, एमसीक्यू था ही नहीं, एक्चुअल में पूरा लिखने का था। एमसीक्यू तो वो सीएसईटी में ले आए, इससे पहले तुम लोग नहीं थे एमसीक्यू के लिए, आपको प्रॉपर लिखना पड़ता था, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रुकती ही नहीं थी। अच्छा वही है, क्यों बच्चा? क्योंकि उसमें आपने अच्छे से 12th तक लिखा है ना, ठीक है? तो सिर्फ 12th में भी इस बार तो उन्होंने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कर दिया, तो वो कोविड के कारण हुआ है ना। हाँ, लेकिन स्टिल पहले क्या होता था, हमेशा लिखते ही थे ना सब्जेक्टिव, फाउंडेशन में सब्जेक्टिव, एग्जीक्यूटिव, सब सारा के सारे सब्जेक्टिव होते थे। लेकिन हम धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया बच्चा? एमसीक्यू कर दिया सीएसईटी में, देन एग्जीक्यूटिव में भी दो तीन सब्जेक्ट तो है ही ना एमसीक्यू। अब नया सिलेबस जो आएगा वो तब हम बात करेंगे क्या आएगा, ठीक है? चलो, सम ऑफ द एक्सप्रेशन बच्चा आर गिवन बिलो। इन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन बताए हैं कि जब आप कंक्लूड करते हो तो हम चाहेंगे कि आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीजें कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही है, ठीक है? इट इज नॉट एडवाइजेबल बच्चा टू राउंड अप एवरी बिजनेस लेटर। इन्होंने कहा प्लीज प्लीज प्लीज, बचपन में क्या लिखते थे, क्या बोला गया है इसमें कि प्लीज हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, जैसे रिस्पेक्टेड सर अवॉइड करिए और वैसे ही थैंकिंग यू अवॉइड करिए। तो लिखना क्या है, इन्होंने कहा है, एक्चुअली मैं गलत नहीं कहूंगी बच्चा, ये कहूंगी कि इनकम्प्लीट पढ़ा है, क्योंकि छोटी क्लास थी ना, जितनी बड़ी क्लास होती जाएगी उतना इन्फॉर्मेशन का लेवल हाई होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर बस 12th तक पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन वहीं तक रुक जाएगी, और पढ़ोगे और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज करते जाओगे लेवल और हाई होता जाएगा, और प्रैक्टिकली जब काम करोगे तो और अलग हो जाएगा हाई, ठीक है? क्योंकि काम करने में और ज्यादा सीखोगे ना। चलिए, इन्होंने कहा कभी भी बस थैंकिंग यू लिख के मत छोड़ो, प्लीज उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो। लिखा है वी थैंक यू इन द एंटीसिपेशन, बच्चा वी लुक फॉरवर्ड टू द फेवरेबल रिस्पॉन्स। ये जो ये फीडबैक है ना, ये एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि प्लीज इसका रिप्लाई करना, प्लीज उसको रिस्पॉन्ड करना, थैंकिंग यू लिखकर छोड़ने का नहीं, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा लिखना। इन्होंने कहा वी विल ग्लैड टू फर्निश एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी बातें लिखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बच्चा थैंकिंग यू, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप एप्लीकेशन लिख रहे थे, हम यहाँ पे बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है,
तो स्कूल में एक्चुअली कहने का फॉर्मेट क्या था, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन के हिसाब से वो सुटेबल है, लेकिन अब सब बराबर हो गया है, चाहे एप्लीकेशन चाहे बिजनेस लेटर, सब एक हो गया। लेकिन स्कूल में अभी एप्लीकेशन के ही फॉर्मेट में आपको चलाया जा रहा है, तो इसीलिए एप्लीकेशन में थैंक यू भी लिखते थे। क्लियर बच्चा? चल अब इसके बाद क्या बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या देता है बच्चा, इन्होंने कहा प्लीज शुड मैच दी सैल्यूटेशन। आपने जो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या था, डियर सर, डियर मैडम, ये सब था। आपने जो सैल्यूटेशन लिखा है उससे मैच होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा अगर आपने सर लिखा है सैल्यूटेशन में, क्या लिखा है बच्चा, सर, तो बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होना चाहिए, योर्स ट्रूली। अगर आपने लिखा है डियर सर, तो क्या होना चाहिए, योर्स फेथफुली। बच्चा अगर आपने क्या लिखा है, डियर मिस्टर, जो भी आपने नाम लिखा है, ठीक है, तो क्या लिखा है, योर्स सिंसियरली। अब स्कूल लेवल था बच्चा, छोटी क्लास थी तो इतनी डिटेलिंग नहीं थी, लेकिन स्टिल मैं कहूंगी ये इतना ज्यादा, जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो इसमें इतना ज्यादा है ना फोकस नहीं किया जाता है। फोकस सबसे ज्यादा सैल्यूटेशन में किया जाता है, जिसमें आपका कंपलसरी डियर सर तो होना चाहिए, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है। देन बच्चा अगर डियर सर और डियर मैडम की बात करूं, तो सबसे बेस्ट उसके लिए क्या है, योर फेथफुली। बस योर फेथफुली, मतलब इससे पहले, इससे पहले थैंक यू योर फेथफुली या सिंसियरली लिखते थे ना, थैंकिंग यू लिखना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट लिखो जो भी उन्होंने दे रखा है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करो योर फेथफुली से, ठीक है। इन्होंने कहा अक्सर लोग एक कॉमन एरर करते हैं, जो आपने भी बचपन में किया है, क्या एरर किया बच्चा, बच्चा साफ साफ बोला है स्पेलिंग भी गलत कर देते हो, सिंसियरली की, ट्रूली की, बचपन में स्पेलिंग बहुत गलत करी है अभी भी। तो बस इन्होंने ये बोल रखा है कि प्लीज 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 आप जो ये एपोस्ट्रॉफी कॉमास होते हैं ना, ये नहीं करना होता है प्रॉपर। बच्चा यहाँ नोटिस करो कैसे लिखा है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये क्या है बच्चा, गलत। पहली गलती क्या करते हैं, वो एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, स्पेलिंग बस गलत कर देते हैं। ऑफ्टेन मतलब अक्सर हमने देखा है बच्चे ये मिस स्पेल करते हैं, कुछ नहीं आपकी गलती, आपको बता रहे हैं ताकि आप गलती ना करो। हाँ वो भी सारी स्पेलिंग फिर रट लेते हो तो फिर हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्टिल घसीटा फिर मार दो और क्या, ठीक है। हाँ कर्सिव में तो नहीं समझ में आता। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज समझ में आया, एंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिग्नेचर हमारा बड़ा हाई फाई रहता है ना, छोटा सा। बच्चा अब समझो, इन्होंने कहा आफ्टर लिविंग बच्चा 4 to 5 स्पेस, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़कर, एकदम चिपका कर साइन नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ना चाहिए साइन के लिए। लेकिन जब भी साइन मारो तो बस साइन मत मारो, क्योंकि साइन से कैसे पता चलेगा, नाम लिखो सेंडर का, बच्चा क्या लिखा है, विद इन अ, बच्चा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट फॉलोड बाय दी डेजिग्नेशन, मतलब नाम और डेजिग्नेशन। जब भी आप साइन मारोगे, जब भी आप साइन मारोगे बच्चा, तो साइन मारने के बाद बीइंग अ सीएस आप क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, कैप्स में लिखना, और ब्रैकेट में जाके डेजिग्नेशन में क्या लिख देना, आप कंपनी सेक्रेटरी, उस कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर साइन कर रहा है तो मैनेजर ऑफ दिस ऐसा लिखा रहता है, इस डिपार्टमेंट का, ठीक है, या फिर ऑफिसर ऑफ दिस। तो बच्चा नाम विद डेजिग्नेशन, मतलब सिग्नेचर होगा, नेम होगा बच्चा विद डेजिग्नेशन। क्या ये बात समझ में आई, तब जाकर पोस्ट, आपको अपनी पोस्ट बतानी पड़ेगी कि आप है ना कौन हो, इससे पता चलेगा ना साइन किसका है, नहीं तो कोई भी साइन मार देगा भाई, है ना, पता ही नहीं। अब साइन तो बच्चा इतना घिसा पिटा सा रहता है ना, घसीटा रहता है ना साइन, क्या साइन से किसी का नाम पता चल सकता है, नहीं। तो इसीलिए हमेशा लिखना चाहिए बींग अ सीएस। जब भी आप करोगे तो आप तो वैसे सील साइन के साथ जाओगे, है ना, आपकी खुद की एक सील होगी, ठीक है, आपका एक सिग्नेचर होगा, देन आप बताओगे कि भाई आप सीएस, उसी में लिखा रहता है, सील में सब लिखा रहता है, ठीक है। चल हाँ नहीं मैंने जानबूझ के, तुम लोग तो बड़े महान बच्चे, चुप रहो, हाँ है ना, वापस आओ। नाम लिखा है बच्चा, देन पोस्ट क्या लिखी है, सेल्स मैनेजर, ठीक है। एक्चुअली में इन्होंने लिखा ही है, नाम हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी एक को ब्रैकेट देना होता है, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, है ना। कैपिटल, एक्चुअली में कैपिटल लेटर क्या होता है, एक तरीके से हाईलाइट होता है, अच्छे से ध्यान जाता है उसमें, ठीक है।
तो आप ब्रैकेट नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली में ये कैप्स भी कर दिया, ब्रैकेट भी लगा दिया, तो ओवर हो गया ये, ठीक है। तो बस ये कैप्स में लिख देना और ब्रैकेट नीचे लगाओ, ज्यादा बेटर है। क्लियर बच्चा? चलिए, क्या यहाँ पे पूरा लेटर खत्म होता है? कभी कभार एनक्लोजर, एनक्लोजर क्या होता है बच्चा? कुछ चीजें होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, स्टिक करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज की एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन के साथ आप कहते हो ना, ये भी इंक्लूजर। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में फॉर्म भरा होगा, ठीक है, देन उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में क्या है? अब होता क्या है बच्चा, ये आपका लेटर है, थोड़ा सा मुझे बताते जाना। सबसे ऊपर तो ये लेटर हेड है, मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक है बच्चा। सबसे पहले क्या लिखा रहता है? रेफरेंस नंबर, देन उसके बाद डेट के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो, स्पेशल मार्किंग जगह छोड़ी, फिर क्या लिखा रहता है? इनसाइड एड्रेस लिखा रहता है, देन उसके बाद अटेंशन लाइन लिखना तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो, ठीक है। ऊपर भी लिख सकते हैं इनसाइड एड्रेस के और नीचे भी, चलो मैं अभी अवॉइड करूँ। उसके बाद क्या था? सैल्यूटेशन। एक्चुअली में जगह कम है, लेकिन सैल्यूटेशन के बाद भी हमने कुछ पढ़ा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी। हम चलो नीचे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन डियर सर, कमल लगा। फिर हम क्या करते हैं? मेन बॉडी, मेन बॉडी के कितने पार्ट्स? पहला, दूसरा, आखिरी, कंक्लूजन। उसके बाद क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले क्या होता था? थैंक यू, तो थैंकिंग यू लिखना है क्या? एक्चुअली में कंक्लूजन के नीचे ही, कंक्लूजन का ही पार्ट है वो, है ना। अच्छा सा एक सेंटेंस, ठीक है, कि वी विल, है ना, फेवरेबल रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बच्चा, तो कॉम्प्लीमेंट्री योर फेथफुली मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है बच्चा? साइन करना है, जगह नहीं बची, यहाँ साइन कर दे, लेकिन साइन के नीचे क्या होना चाहिए? थोड़ी जगह छोड़कर, है ना, जगह छोड़कर साइन करना है नेम विद डेजिग्नेशन, लिख लिया बच्चा। अब बच्चा उसके बाद समझ लो ये दो पेपर चला गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन किया योर फेथफुली लिखा, ठीक है, यहाँ पे फिर हमने साइन किया और यहाँ पे नाम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा। अब इसके नीचे की बात हो रही है बच्चा, इसके नीचे हम क्या करेंगे? ये क्या है हमारा? एक पेपर हो गया जिसमें हमने बिजनेस लेटर लिखा है, इसमें मैंने लिख दिया कि भैया यहाँ पे समझ लो टेंथ की, ठीक है, ट्वेल्थ की मार्कशीट, या फिर मैंने क्या लिख दिया बच्चा? सीएस की मार्कशीट। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने इसी लेटर के नीचे लिख दिया, क्या लिख दिया? कि मैंने इसके साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब एक दूसरा पेपर लगेगा, किसकी? टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की, सीएस की डिग्री लगेगी और जो भी एजुकेशन लिया मैंने। तो इन शॉर्ट इनक्लोजर क्या होता है? नीचे आप लिख देते हो कि इसके साथ और क्या क्या ऐड है। अगर आप नहीं लिखोगे और बस अटैच कर दोगे तो कभी कभार क्या होता है बच्चा, पेपर ना स्टेपल ही होता है, अलग हो जाएगा। तो इससे आपको क्या हिंट हो जाएगा कि इसने इसके साथ तीनों डॉक्यूमेंट भेजे थे, जिससे आपको ध्यान रहेगा, आप ढूंढोगे कि यार कहाँ गए, स्टेपल क्या होगा, कहीं चला गया होगा, या फिर मांगोगे अगर मिस हो गया तो इसीलिए इनक्लोजर नीचे लिखना चाहिए कि आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाए थे। तो लिस्ट ऑफ दी लिस्ट, ये इसी लिस्ट की बात हो रही है जो मैंने लिस्ट नीचे बताई, तीन चार लिस्ट बताई। तो लिस्ट ऑफ द एनक्लोजर, डिटेल्स ऑफ दी, किस किस की आपने कॉपी लगाई है, सर्कुलेट में बी गिवन बिलो द डेजिग्नेशन ऑफ द लेटर। यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दिया था सीएस, इसके नीचे क्या दे दो बच्चा? लिस्ट, मतलब लिख दो कि हमने क्या क्या इनक्लोज किया है। क्या ये बात समझ में आएगी? और फिर उसके बाद चिपकाइए। हाँ हाँ, इनक्लोज आपको ऐसा, इनक्लोजर ऐसा लिखना पड़ता है, इनक्लोज लिखने ईडी कि ये चिपकाया है। तो बच्चा ये तीन चीजें, पहले लिस्ट लिखोगे और फिर इस पेपर के बाद वो तीन डॉक्यूमेंट अटैच कर स्टेपल कर सेंड कर दोगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? ये हमेशा करना चाहिए। आप खुद ही सोचो, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करो बीइंग अ सीएस किसी कंपनी में, ठीक है, अगर आप अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ये आप ही के लिए एक तरीके से कि आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दे दोगे और चार डॉक्यूमेंट चिपका के दे दोगे, अगर वो मिस हो गया तो यहाँ इस लिस्ट से समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने दिया था, कंपनी से ही कुछ गलती हो गई, तो फिर वो फोन करके आपसे मांग लेगा वगैरह वगैरह। क्लियर बच्चा? चलिए फिर बच्चा, सबसे एंड में क्या लिखा है? एनेक्सर बच्चा, एक्चुअल में दोनों मिलते जुलते ही है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आप नीचे बता देते हो। आपने अगर लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है फॉर द जॉब, तो बच्चा आप यहाँ पे एनक्लोजर के लिस्ट देते हो, इन्होंने कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट,
इफ यू विश आप अलग से कुछ देना चाहते हैं तो बच्चा विद द लेटर तो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिटेल एट द एंड, ये भी आप अलग से बता दो कि एनेक्शन में, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो जाएगी उसमें दो चीजें होंगी, एक क्या होगा बच्चा एनक्लोज लिखोगे 1 2 3, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने हमसे मांगा ये तीन डॉक्यूमेंट, लेकिन हम खुद से कुछ अपनी एक्स्ट्रा बातें बताना चाहते हैं जो हमने अदर एक्टिविटी करी, हमने नेशनल लेवल में ये चीजों में पार्टिसिपेट किया था जिसका अंश हमें अवार्ड मिले, ये कुछ एडिशनल है जो आपको लगता है कि आपको देना है, ये तो उन्होंने मांगी है, ये तो उन्होंने मांगी है, देन आप एनेक्शर क्या है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप खुद से देना चाहते, तो प्लीज उसको भी लिस्ट कर दो एंड में और उसकी भी कॉपीज लगा दो, मतलब टोटल आपके 6-7 डॉक्यूमेंट जा रहे एक्स्ट्रा में, क्लैरिटी है नहीं आया? चलो हमारी एप्लीकेशन में सबसे एंड में एनक्लोजर होगा, अगर आप खुद से इन ये तीन चीजों तो भैया सामने वाला मांगता ही है ना, फॉर एग्जाम्पल एलोशियस कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए मांगा, बच्चा उन्होंने टीसी तो मांगी होगी आपसे क्योंकि हुआ ही नहीं ना अभी रिजल्ट का इतना पूरा टाइम लगा तुम्हारा, लेकिन आगे चल के टीसी मांगे, बिना टीसी के एडमिशन नहीं होता है, टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। इन शॉर्ट बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं एनक्लोजर में, क्या आएगा एक तरीके से कंपलसरी, और ये कंपलसरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, ये तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा अच्छा बताना चाहते हो तो आपने अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैंने नेशनल खेला है ज्ञान गंगा, चलो सॉरी ज्ञान गंगा, चलो नचिकेता, समझ में आ गया कितने झगड़े होंगे यहाँ पर, हाँ एक्चुअली में बता रही मैं क्यों ले रही एलोशियस का मैं रीजन बताना चाहूंगी, ज्ञान गंगा में कॉमर्स पहले से नहीं था, वो इंजीनियर श्री राम कॉलेज भी, ये दोनों इंजीनियर बनाते थे, वो हाँ इवन ग्लोबल भी, ये सारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, यहाँ पे इंजीनियर्स बनते थे, तो एलोशियस ही थोड़ा सा बाकी सबसे कंपैरिजन वाइज है ना थोड़ा सा अच्छा नाम है, वैसे तो जबलपुर में कुछ भी अच्छा नहीं है, है ना, लेकिन लेकिन मैं कह रही हूँ सुनो, तो एक्चुअल में कॉमर्स को लेकर ये सब थे ही नहीं, लेकिन जैसे अब ये लोग आ गए तो अब एलोशियस भी कम ही हो गया है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है ना चीजें देने लगा है, लेकिन बच्चा आप लोग प्रोफेशनल्स हो, आप लोग के सामने तो कोई भी लग देने लगेगा यार, ठीक है वापस आओ, ठीक है तुम लोग ज्यादा बड़े हो यार, तुम लोग कहाँ कॉलेजेस में लड़ रहे हो, इन शॉर्ट बच्चा एनक्लोजर समझ में आया, लिस्ट जो कंपलसरी देना है, एनेक्स्टर जो आपको लगता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना तो आप दे दीजिए, जिससे आपको लगता है आपकी थोड़ी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सबके पास तो होगा नहीं लेकिन कंपलसरी डॉक्यूमेंट तो सबके पास होगा ना, 10th की मार्कशीट तो सबके पास होगी ना, ये तो देने सीएस की डिग्री तो सबके पास होगी ना एप्लीकेशन के लिए, लेकिन बच्चा लेकिन किसी ने नेशनल लेवल में कुछ परफॉर्म किया जिसको अवार्ड मिला ये तो सबके पास नहीं होगा, तो ये एक तरीके से एनेक्स्टर में जाएगा जो आप खुद से दोगे, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, क्लियर है बच्चा। तो ये था हमारा बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंट चीजें बच्चा, जो अब जाकर कंप्लीट होती है, बस मुझे बताओ लेटर हेड वर्ड आता है तो उससे क्लिक होना चाहिए, लेटर हेड क्या होता है ध्यान दो, रेफरेंस नंबर समझ में आएगा, डेट, डेट कैसी होनी चाहिए वर्ड्स में होनी चाहिए, क्यों रीजन क्या है, पीएच होना चाहिए, रीजन बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, फ्रॉड ना हो इसीलिए, ठीक है प्रूफ, स्पेशल मार्किंग जगह छोड़नी है, एड्रेस लिखो, अटेंशन लाइन, सैल्यूटेशन करता डियर सर, सब्जेक्ट मेन बॉडी के तीन पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर नेम के साथ डिजिग्नेशन लिख देना बच्चा, फिर एनक्लोजर और एनेक्स्टर, क्या ये बातें समझ में आ गई हैं, पक्का पक्का क्या पूरा बिजनेस लेटर लिख लोगे, लेकिन क्योंकि लिखने को नहीं आता है ना आपसे बस ये पूछा जाएगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे क्लोज वर्ड लिखा ही है, खत्म हो रहा है लेटर हमारा, ठीक है, तो सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है बच्चा पक्का, चल दो मिनट बस देख लो इसके बाद क्या है टॉपिक अपना, हाँ तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा है तो अब मैं यहाँ पे रोक रही हूँ।